हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, आज मैं आपको प्रिवेंटिंग ऑफ निमोनिया यानी कि निमोनिया से रोकथाम के बारे में बताना चाहता हूँ, या किसी चाइल्ड को निमोनिया का शिकायत हो गया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे दूर किया जाए और कौन कौन सी मेडिसिंस दिया जाए उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से मैं आप लोग को यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, और इस वीडियो को सुनने के लिए आप लोग धैर्य से सुने और शुरू से अंत तक इस वीडियो के बारे में सुने और इसका लाभ उठाए। तो निमोनिया खास करके ज़्यादा करके बच्चे में होने का शिकायत देखा गया है, खास करके छोटे बच्चे में, यानी कि 2-3 महीने से लेकर के 5-6 साल तक के बच्चे को निमोनिया होने की ज़्यादा शिकायत होती है। तो इसमें मुख्य रूप से बच्चे को सर्दी होती है, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और छाती में बलगम की मात्रा रहने से अगर स्टेटोस्कोप से उसका परीक्षण किया जाए तो घड़घड़ की आवाज़ साफ सुनाई पड़ती है और साई साई की आवाज़ साफ सुनाई पड़ती है। रात को सोने पर बच्चे को कभी कभी नाक बंद होने की भी शिकायत मिलती है, जिसके कारण बच्चे अकबका जाते हैं, यानी कि बेचैनी जैसा महसूस करते हैं और रोते रहते हैं। कभी कभी बच्चे खांसते खांसते वोमिटिंग का शिकायत मिलता है, तो इस अवस्था में घबराना नहीं चाहिए। लोग इस अवस्था में एलोपैथ डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और भाप दिला देते हैं और सुई लगवा लेते हैं, जिसके कारण बलगम छाती में ही रह जाती है और बलगम सूख जाती है, फलस्वरूप सांस लेने में तकलीफ बच्चे को होती है और रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी पैदा होती है। तो अगर ऐसी शिकायत बच्चे में दिखाई पड़ रही है तो होम्योपैथिक में बच्चे के लिए बहुत अच्छी मेडिसिंस है, यानी कि निमोनिया को दूर करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिंस है। आप इसे कंटिन्यू सेवन कराएं तो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट दे देती है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे को सर्दी खांसी के साथ साथ गले में घर घर की आवाज़, शाय शाय की आवाज़, गले में बलगम पूरी तरह से आने का शिकायत हो और बच्चे बेचैनी महसूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ फीवर का भी शिकायत हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छी काम करती है। उसे लक्षणानुसार आप दें। सर्वप्रथम बच्चे को एंटीम टार्ट 30 नंबर की दवा 1/2 चम्मच दूध में, उम्र के हिसाब से, अगर 6 महीने से बच्चे छोटे हैं तो 1/2 चम्मच दूध में 1 बूंद प्रत्येक 3-3 घंटे पर दें। अगर बच्चे 6 महीने से ज़्यादा बड़े हों तो उस बच्चे को 1/2 चम्मच दूध में 2 बूंद प्रत्येक 3-3 घंटे पर चलानी चाहिए। इसके साथ साथ इपिकॉक 30 नंबर का मेडिसिन है, इसे भी 1/2 चम्मच दूध में 2 बूंद 3 बार देनी चाहिए। और तीसरी मेडिसिन है चेलिडोनियम 30 नंबर की दवा, इसे भी 1/2 चम्मच दूध में 2 बूंद 3 बार देनी चाहिए। इससे बच्चे का जो बलगम है वो नीचे की ओर चला जाता है और जो बलगम अटका हुआ है नली में, श्वास नली में अटका हुआ है और फेफड़े में जो बलगम है वो नीचे चला जाता है और पैखाना के रास्ते के सहारे बाहर निकल जाते हैं।
क्योंकि बच्चे को अगर खांसी होती है तो कफ को बाहर निकालने में असमर्थ होता है, इसलिए दवा के जरिए उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा मदर टिंचर में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसमें जस्टिसिया ऐड मदर टिंचर बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती है। हम लोग इसे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और उस दवा के बच्चे को सेवन कराते हैं तो बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। पहला मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ जस्टिसिया ऐड क्यू, दूसरा अस्पौंजिया और तीसरा मेडिसिन है। तो तीसरा मेडिसिन्स मैंने आपको बताया सिनेगा क्यू, यानी कि तीन दवा का जो मैंने आपको मिश्रण बताया है वो है जस्टिसिया, अस्पौंजिया, सिनेगा। तीनों मदर टिंचर एक एक ड्राम लेकर के एक बड़ा शीशी में उसे मिक्स कर लें और आधे चम्मच दूध में 8-10 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर चलाएं तो बच्चे को निमोनिया से बहुत रिलीफ मिलती है और सांस लेने में जो कठिनाइयाँ हैं, तकलीफ है, 24 घंटा के अंदर यानी एक दिन के अंदर बहुत रिलीफ आ जाती है और बच्चे चैन से सो लेते हैं और खांसी का प्रॉब्लम, गले में घर घर की आवाज़ और शाय शाय की आवाज़ जो है वो ठीक हो जाती है। ये मेडिसिन्स अगर कंटिन्यू चलाया जाए तो जिन बच्चे को बार बार निमोनिया होने की शिकायत है वो दूर हो जाती है और आप भारी भरकम खर्चे से बच सकते हैं, यानी कि एलोपैथ डॉक्टर के यहाँ जाने से, भाप लगाने से, इंजेक्शन लगाने से और विभिन्न तरह करके कफ सिरप पिलाने से आप बच सकते हैं और आप कम पैसे में निमोनिया से छुटकारा पा सकते हैं, बशर्ते आपको विश्वास होनी चाहिए, आप धैर्य से इस मेडिसिन को चलाएं, जरूर ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।